हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने इन दो वीडियो से रिलेटेड मुझसे पूछे हैं। तो इन डाउट्स को भी आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये दोनों वीडियोस देखने हैं, नहीं पता है, डिटेल में जानना है कि क्या ट्रांसमैन होता है, मतलब फीमेल टू मेल ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके की सर्जरीज होती हैं, हम सब ने जान लिया है, एंड ट्रांस वोमेन क्या होता है, मेल टू फीमेल ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, तो इन दो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर जब वीडियो खत्म होता है तो वहां पे भी इन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप जहां पे कमेंट्स करते हैं वहां पे भी इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, राइट? तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो मैं लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन है तो मैंने कॉमनली जो ज्यादा पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने लिया है। तो पहला क्वेश्चन मैं देखती हूँ, मैडम टेस्टिस कैसे बनेगा, डिटेल में बताइए। अब देखिए टेस्टिस कैसे बनते हैं, मतलब ये बात हो रही है किसकी, ट्रांसमैन की, मतलब जो फीमेल से मेल बना है, राइट? तो फीमेल से मेल जो बना है, मतलब शुरुआत में उसकी बॉडी कैसी थी, फीमेल की, बाद में वो बना है मैन, तो हमें क्या देखना है, टेस्टिस कैसे बनती हैं। तो देखिए, तो चलिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए फीमेल में, फीमेल से मेल ट्रांजिशन होना है, राइट? तो फीमेल की बॉडी में जब ये बॉटम सर्जरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरस, राइट? इनको बदलना है मेल के, ठीक है, मेल के जो जननांग होंगे उनके अंदर। तो किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, तो अब देखिए लेबिया मेजोरा जो होता है, जो आउटर लिप हम बोल सकते हैं, ये जो होते हैं, जो स्किनी स्ट्रक्चर होती है, लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, तो इनको बदला जाता है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। अब इसको भी अच्छे से समझाऊंगी। टेस्टिस के अंदर एक्चुअली नहीं बदला जाता, क्या होता है कि मेल के अंदर क्या होते हैं, स्क्रोटम होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो होता क्या है कि एक्चुअल में ये टेस्टिस नहीं बनाई जाती, क्या बनाया जाता है, इससे स्क्रोटम बनाया जाता है। ये जो स्किन होती है, जो आउटर जो फोल्ड्स होते हैं लेबिया मेजोरा के फीमेल के अंदर, उससे क्या करते हैं, इसकी जो स्क्रोटम है वो बनाई जाती है, मतलब एक पाउच बना दिया जाता है, ये समझ लीजिए पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है मेल के अंदर, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बनाया जाता है। एंड टेस्टिस एक्चुअल में जो रियल टेस्टिस हैं वो नहीं बनती हैं ट्रांस मैन के अंदर, ठीक है? तो क्या होगा, ये कैसे मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कंप्लीट होगी, तो स्क्रोटम बना दिया जाएगा एंड उसके अंदर जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के ये जो हम बोल सकते हैं सिलिकॉन को, इसके अंदर जितना साइज टेस्टिस का होता है उसके अकॉर्डिंग उनको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि उसके जैसी शेप लग सके, क्लियर है? तो रियल टेस्टिस नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, सिर्फ ये दिखावे के लिए आप मान लीजिए बनाए जाते हैं। ओके, क्लियर हो ये डाउट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा था अभी जो मैंने लिखा है साइंस फैक्ट्स ने, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ट्रांस मैन एबल टू सेक्सुअल एक्ट एंड कैन आल्सो एबल टू गेट प्रेग्नेंट लेडी। तो देखिए कोई भी जो ट्रांस मैन है, पहली बात तो सेक्सुअली एक्टिव तो होगा, राइट? बट क्या हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल फादर नहीं बन सकता, मतलब उसके खुद के स्पर्म्स वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास होते ही नहीं है। स्पर्म कहां पे बनते हैं, यहाँ पे जो टेस्टिस होती है एंड क्या होता है एपिडाइडमिस, राइट? एक मेल के अंदर, एक नॉर्मल मेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है वो ट्रांस मैन के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है कि बायोलॉजिकली फादर नहीं बन पाता है, मतलब कोई ट्रांस मैन है वो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, क्लियर हुआ? ओके, ये तभी हो सकता है जब रियल जो टेस्टिस होती हैं उनका क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन यहां पे कर दे, ठीक है? जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन होता है, अगर ऐसा हो तो हो सकता है, बट नॉर्मली ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पूछा था ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब्स ने, जो अभी मैंने बताया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ट्रांस मैन एबल टू, यस ये हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट यूट्रस एंड ओवरीज, यू हैव नॉट एक्सप्लेन अबाउट दोज. ओके, ये पूछा है मोहम्मद जेफरी ने. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांस वुमेन है, इसके अंदर क्वेश्चन है कि जो एक्चुअल में मेल है जिसका ट्रांजिशन हुआ है किसमें, फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस वुमेन, तो क्या उनके अंदर ओवरीज एंड टेस्टिस, उनके बारे में बताइए मतलब क्या होता है. तो हमें देखना है कि किसी मेल से फीमेल बनानी है, तो ये क्या है, मेल की बॉडी है, राइट, इसको चेंज करना है फीमेल की बॉडी में, क्लियर है. तो होगा क्या कि मेल के अंदर हमें पता है ओवरीज नहीं होती, नहीं होती है, यूट्रस नहीं होता है, ठीक है. अब इसको फीमेल के अंदर बदलना है, तो इसकी हमने बात कर ली थी कि जो बॉटम सर्जरी होती है, पहली बात तो जब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी हैं कि ब्रेस्ट का क्या होता है, तो ब्रेस्ट का हमने देख लिया था कि कुछ तो हार्मोन थेरेपी की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, एंड क्या करते हैं सिलिकॉन के, जैसे कि इनके अंदर ये जो सिलिकॉन के बैग्स बना के इसके अंदर डाले गए हैं, इसी तरीके से जो ट्रांस फीमेल होती है अगर उसको अच्छे से एनहेंस करना है अपने ब्रेस्ट को, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है. अब बात करते हैं इनकी, एक्चुअल में ये मेल है, मतलब बाय बर्थ ही मेल है, इसको बदला गया है किसके अंदर, फीमेल के अंदर. तो ये जो बॉडी पार्ट्स होंगे, मतलब जो जननांग होंगे, उनको तो एक तरीके से बना दिया जाता है. कैसे, मैंने बताया था कि जो पीनस होता है उसको इन्वर्ट करके वजाइना की जो वॉल होती है अंदर की वो बनाई जाती है, एंड जो ग्लैंड्स पीनस, मतलब जो पीनस के जो अपर जो पार्ट होता है, हेड ऑफ पीनस होता है, उससे बनाया जाता है क्या, क्लिटोरस. ओके, एंड ये जो ओवरीज एंड यूट्रस है, ये इसके अंदर नहीं बनती हैं, नहीं बनाई जा सकती हैं नेचुरली. बट क्या है कि जैसे जैसे आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो उसी तरीके से हम सब जानते हैं, जैसे क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इसी तरीके से किडनीज का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, मतलब किसी जीवित किडनी को पेशेंट के अंदर डाला जाता है, समझ रहे हैं इस चीज को. तो ये जब होता है, तो इसी तरीके से आजकल यूट्रस इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये सक्सेसफुली हो सकता है. ओवरीज का भी इम्प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, ठीक है. अगर मैंने क्या, नेचुरली तरीके से तो हम इसको नहीं कर सकते, बट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांट करके किसका, यूट्रस का एंड ओवरीज का, ये तब इसके अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है. कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है आफ्टर, मतलब इसके ट्रांजिशन के बाद, ये फीमेल जो बनाई गई है वो मतलब बायोलॉजिकल मदर बन सकती है या नहीं, तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी. अब हाँ कैसे हो सकता है, मैंने बताया अगर यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से वो क्या कर सकती है, कंसीव कर सकती है, ठीक है. उसकी भी टेक्निक्स होती हैं, सिर्फ उसको यूट्रस इम्प्लांटेशन किया है, ट्रांसप्लांटेशन किया है, तो IVF एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मेल के स्पर्म एंड फीमेल के स्पर्म, फीमेल के जो ओवा होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, लैब में ही मिलाया जाता है. तो आप सोचेंगे सिर्फ यूट्रस का अगर ट्रांसप्लांटेशन किया है, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया है यहाँ पे, तो इसमें ओवा कहाँ से आएंगे. तो अगर दोनों का करते हैं तो ओवा भी बन सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल जो लेवल होता है उसकी वजह से ये फीमेल जो बनी है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, कौन से इनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं. इनके अंदर जेनेटिकली XY होते हैं, हम सबको पता है कि क्या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो फीमेल जो बनी है तो उसके अंदर हम उनके जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, यही रहेंगे, है ना. लेकिन इसमें एक चांस क्या होता है, अगर यूट्रस का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो उसके बाद IVF एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एंड उसके बाद भी हॉर्मोन्स उसको दिए जाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो फीमेल, जो नॉर्मल फीमेल है, तो उसके अंदर नेचुरली हॉर्मोन्स का बदलाव चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही हॉर्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे होते हैं. लेकिन क्या है, ये
मेल टू फीमेल बनाया गया है, मतलब ये एक्चुअल में मेल है, इसके जीन्स जो हैं वो मेल के हैं बट फीमेल में ट्रांजिशन किया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। तो इनको हार्मोन थेरेपी दी जाएगी, मतलब जिस तरीके से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स दिए जाएंगे, तो इस तरीके से ये मदर बन सकती है जब यूट्रस का ट्रांसप्लांट अगर करवाया हो तो। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस है, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं करवाया जाता है। ठीक है, अगर आपको IVF के बारे में जाना है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिंक गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो सारे खत्म हो गए हैं। एक और है कि एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब जो ट्रांस मैन होते हैं तो क्या वो इजैक्युलेट कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि ये जो मैन है तो क्या ये फादर बन सकता है, मतलब स्पर्म्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है? तो हम सबको पता है कि जो मेल होता है उसके अंदर किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? सेमिनल वेसिकल्स, मतलब ग्लैंड्स होती हैं, राइट? एंड प्रोस्टेट। तो इस तरीके से जो ग्लैंड्स होती हैं जो मेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनकी वजह से स्पर्म बनते हैं, उनके लिए फूड बनता है, तो जब ये होंगे ही नहीं, मतलब जब टेस्ट ट्यूब्स भी नहीं है और बहुत सारी मतलब अंदर के जो है ये ग्लैंड्स वगैरह ये नहीं है, तो क्या ये इजैकुलेट करेगा? तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि एक ग्लैंड होती है स्किनर्स ग्लैंड, जो कि क्या करती है, ओनली क्लियर फ्लूइड को ही बॉडी से बाहर निकालती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो इसमें इंजेक्युलेशन भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन हो सकता था, आप लोग शायद हो सकता है बाद में पूछें, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। सो आज का हमारा वीडियो यही तक था, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ दूसरों की हेल्प भी जरूर कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड ये जो दो वीडियोस हैं ट्रांसमैन एंड ट्रांसवुमन, मतलब मैंने कैसे ये जो थंबनेल आपको दिख रहे होंगे, तो इस तरीके के जो वीडियोस हैं जो कि एंड में भी आपको मिल जाएंगे, प्लीज़ इनको शेयर कीजिए। आज वाले वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें, उनके मन में जिस तरीके के सवाल होते हैं, कुछ लोगों से पूछ नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो भी मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो वीडियोस आते हैं मेरे, तो मोस्टली मैं प्रोवाइड करती हूँ अवेयरनेस से रिलेटेड या फिर किसी डिजीज से रिलेटेड जो जनरल वीडियोस हैं, वो संडे को आएंगे। ठीक है, बाकी दिन मैं शुरू करने वाली हूँ धीरे धीरे 12th क्लास को बायोलॉजी। तो आप लोग कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। हम चैप्टर नंबर 4 बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी क्लास 12th। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।